सर आपका माइक म्यूटेड है। देन कैलकुलेशन, और ये सबसे ऊपर वाला क्या था? दिस इज नथिंग बट द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। ओके, तो ये हमारे चार सेक्शंस है। कैलकुलेशन में क्या करना है, ध्यान से, ध्यान से देखो। ए ए में क्या क्या होगा? ठीक है, मान लिया, लेट अस कंसीडर कि यूजर ने क्या क्या दिया। वन दिया, टू दिया और थ्री दिया। इसमें सपोज ने फोर दिया, फाइव दिया और सिक्स दिया। अब ये क्या है? ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू। दिस इज बी ऑफ जीरो, बी ऑफ वन एंड बी ऑफ टू। तो सी वाला पार्ट जो होगा फाइनली, सी में क्या आना चाहिए, है ना? उसका दोनों ही को ऐड होना चाहिए। तो सर दैट इट शुड प्रिंट 4 + 1 इज 5, 7, 9। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ए का जीरो और बी का जीरो को ऐड करके किस में रख देंगे? सी के जीरो में रख देंगे, है ना? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ही काम को मैं बार बार करना है। तो इसको एक तो ये तरीका है, पहला तरीका, दैट आई कुड राइट सी ऑफ जीरो इक्वल टू ए ऑफ जीरो प्लस बी ऑफ जीरो। ठीक है, नाउ आई एम कॉपिंग दिस कोड। अभी इसको चेंज कर देते हैं, सी का जो वन हो जाए वो ए का वन, ये लिख सकते हैं, क्लियर? लेकिन इसमें क्या है, एक ही तरह का पैटर्न है हमारे पास, बस ये चेंज हो रहा है और बाकी सब सेम है। ये भी हमारा काम कर देगा, लेट्स सी कैसे होता है। ठीक है, वैल्यूज सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया ना, 5, 7, 9, क्लियर? हाँ, वही बता रहा हूँ। इन बहुत ज्यादा होते तो क्या करता, मतलब अगर साइज अगर 100 होता तो 100 टाइम्स ये लिखना पड़ता। सो बेटर सॉल्यूशन इज टू राइट अ फॉर लूप। इसका एक इक्वेशन अगर हम बनाए तो क्या आएगा, टी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, सिंपल, है ना? और आई कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2, यानी द एरर साइज -1, है ना? तो वी कुड से फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट, है ना, 0, आई इज लेस देन 3 एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1, एंड देन विद इन दिस वी शुड राइट दिस कोड, कॉपी इट, पेस्ट इट एंड रिमूव दिस, वी डोंट नीड एनी कोड। ठीक है, तो अभी भी ये वही काम करेगा जो पहले काम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर? 5, 7, 9। हाँ, टैब लिया है, टैब ठीक से काम नहीं कर रहा क्या? 5, 7, 9, टैब लिया हुआ मैंने। ठीक है, प्रॉपर टैब आ रहा, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर टू यू? तो एरे में बस यही है कि एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तो हर टाइम पे एरे पे कुछ भी करना है तो हमें लूप यूज करना है। इसलिए बता रहा था कि लूप को पढ़ो, लूप जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको एरे में इशू हो जाएगा। एटलीस्ट फॉर लूप अगर आता है तो तुम काम चला सकते हो, है ना? तो फॉर लूप ही समझ लो। फॉर लूप मैंने कैसे लगाया, अभी कैसे लगाया, ये भी समझ में आ गया तब भी काफी है, क्लियर? एनी इशू? जितने ऑनलाइन बच्चे हैं बताइए, कुछ ऐसा था जो तुम्हें नहीं समझ में आया? सर खेलेगा ठीक
ठीक है, ऑल क्लियर एवरीवन हु इज ऑनलाइन जस्ट राइट क्लियर एज एन एक्नॉलेजमेंट. सर हमारा चैट नहीं हो रहा सेंड. क्या हुआ? हम चैट सेंड नहीं कर पा रहे हैं. ओके कोई नहीं, जिसने भी जिसको समझ में आ गया दे कैन राइट क्लियर. क्लियर मानव इज सेइंग क्लियर, समा इज क्लियर, अरिहंत ओके, तेजवान ओके, तन्मय ओके, मेरे एंड रेस्ट. देख रहा सब सोया हुआ. चिराग, दर्श, कृतिका सर ये मैसेज हो नहीं रहा है चैट बॉक्स में. ओके ओके. पूर्वेश, प्रखर, स्वप्निल, चिराग इज सेइंग ओके क्लियर. ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर तो अभी एक प्रोग्राम लिखो. आउटपुट वाला ये, अच्छा प्रिंट वाला ये पार्ट. ठीक है, अभी क्या लिखना है? अभी एक फ्लोट एरे लो, दो फ्लोट एरे, ठीक है, और उसको ऐड करो. सेम काम, बस डेटा टाइप चेंज हो जाएगा. लेट्स सी. कमेंट तो कभी भी लिखता हूँ, जब भी मुझे कुछ हाईलाइट करना है ना कि ये वाला ये पार्ट है, मैंने बस पार्ट अलग अलग लिखा. ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये मेरे हेल्प, तुम्हारे हेल्प के लिए. तुमको जब मैं कोड दूंगा तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, अच्छा यहाँ से यहाँ तक इनपुट वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन वाला हिस्सा है, ये आउटपुट का हिस्सा है. इस ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए. मेरा प्रोग्राम अगर तुम देखोगे, तुम्हारा प्रोग्राम अगर मैं देखूंगा, तो हम लोग लिखते रहते हैं कॉमेंट. यहाँ तुमको पता चल रहा है ना कि यहाँ 1 2 3 इनपुट कर सकते हैं, या 4 5 6 कर सकते हैं, और यहाँ एडिशन इतना आएगा. तो हमारे तुम्हारे लिए और किसी के लिए. That's it. Okay, प्रखर ठीक है. What can I do in that case? So write a program to add two float array. और टेक एंड टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. ऑब्वियसली दोस हु आर ऑनलाइन राइट द प्रोग्राम एंड सेंड मी इन द ग्रुप. सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन. हाँ कुछ नहीं, बस दो एरे को ऐड करना है. अभी हमने इंटीजर एरे को ऐड करना सिखाया, आपको दो फ्लोटिंग एरे को ऐड करना है. दो ऐसा एरे जिसमें फ्लोट वैल्यू होगी. कॉपी में लिखो.
चेंज किया था ना, अभी समझ रहा है मैं, जानता हूँ मेरे पास बस आओ इधर, मुझे समझ में नहीं आ, अभी पुरानी लिस्ट में फंक्शन से कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लिया आप लोग अच्छे से, ऑनलाइन किसी ने अभी तक भेजा नहीं ग्रुप में, सर लिख रहे हैं बस हो गया, पहले तो स्लाइड बता रहा था, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर ये नहीं लिखा ये पार्ट में होता क्या है, दिस इज अ डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट में क्या करता है कंपाइलर, मेमोरी रिजर्व करता है इसके लिए, एड्रेस देता है इसको, तो अगर उसको साइज नहीं पता होगा तो कितना मेमोरी रिजर्व करेगा, पता नहीं है, है ना, इसलिए एरर देगा, ये देना ही पड़ेगा डेफिनेटली, एक ही एक ऐसा केस है जिसमें नहीं देना चलेगा, ये एक ही बस ऐसा केस है जहाँ साइन नहीं देना है, वो मैं बताऊं अरे लोग आई नहीं लुक गए होगा नहीं, लेकिन अब आई का यूज क्यों कर रहे हैं, लुक को चलाने के लिए, तो वो एक इधर ही बेस्ट है उसके लिए, काउंटिंग कर रहे ना, पुरानी वैल्यू को फ्रेंड करना है, बोला कि बाकी कोई भी चीज नया नहीं है, जो पुराना वेरिएबल था वो वही करता,
नहीं भी लिखेंगे यहाँ तो हम दे ही रहे थ्री, यहाँ थ्री नहीं लिखने से क्या दिक्कत है, यहाँ इसलिए जरूरी है थ्री लिखना क्योंकि डिक्लेरेशन का मतलब कहीं भी कोई भी वेरिएबल हो रिजर्व मेमोरी रिजर्व करनी चाहिए, मेमोरी अलॉट क्या बोला एरे साइज मिसिंग, गेटिंग माय पॉइंट, अभी मैं इसको ठीक करता हूं। एक ऐसा केस है नॉर्मल वेरिएबल भी नहीं हो गया क्योंकि यहाँ ब्रेसेस लगा हुआ है, ब्रेसेस लगा हटा देते तो ठीक था, लगा हुआ है ठीक है। अभी इसमें एक ही केस है, अगर मैं इसको जिस पॉइंट पे डिक्लेयर कर रहा हूं उसी पॉइंट पे मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं तो क्या है, इसको पता चल रहा है। इनिशियलाइज करने के दो तरीके थे ना, एक तो मैनुअली वैल्यूज में रख दो और एक यूजर से लो, तो ये तो यूजर से लेने का तरीका है और ये मैनुअली वैल्यू रखने का तरीका है, बताया था ना सुबह सुबह।